वेलकम बैक टू माय चैनल में जीना महापात्र। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस रेसिपी वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी सारी वीडियोज की। और फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुंदरू आलू की सब्जी। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, कुंदरू आलू की सब्जी बनाने वाली थी तो मैंने सोचा डेली रेसिपी तो आपके साथ शेयर करती हूँ, बट अगर आपके पास कुंदरू आलू है, अगर आपको कुंदरू पसंद नहीं है तो मैं उसकी एक टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत ईजी तरीके से बहुत ही कम समय में कुंदरू आलू को बनाकर खा सकते हैं दाल चावल के साथ। तो आज दाल चावल तो नहीं बना रही क्योंकि कल मैंने राजमा चावल बनाए थे, तो आज सोचा कुछ हटके बनाती हूँ। तो आज मेरा पखाल खाने का बहुत ज़्यादा मन किया तो मैंने चावल ऑलरेडी पहले बना लिया है, पखाल भात रेडी कर दिया है। तो पखाल भात के साथ खाने वाले हैं आज हम कुंदरू आलू की सब्जी और साथ में टमाटो की चटनी, जो कि फ्रेंड्स मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया था बनाकर चटनी, बट उसकी रेसिपी अच्छे शेयर नहीं की थी तो वो भी बताऊंगी और कुंदरू आलू की सब्जी बताऊंगी। सो आप लोग जारी रहिए इस रेसिपी वीडियो पर, स्किप मत करें। देखिए हमारी उड़ीसा की फेमस माने फेमस फूड है, लोग गर्मियों में तो हमेशा खाते ही हैं, तो आप लोग खाइए और मुझे कमेंट जरूर करिए। पखाल भात के साथ तोड़ा आलू माने उड़िया में बोलते हैं कुंदरू आलू की सब्जी खाइए, बहुत ही टेस्टी रहती है। इसी तरीके से इन दोनों रेसिपीज मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिस्टी अभी नहीं है इसलिए मैं वीडियो के साथ साथ बोलती जा रही हूँ, अगर वो होती तो उसकी आवाज़ आती। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको ज़्यादा समय नहीं ले लूँ, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैं बताती जाऊँगी क्या क्या करना है। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी वीडियो में आगे जाने से पहले, वैसे तो रेसिपी मैं पहले ही बना चुकी हूँ, एडिट करते टाइम मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दी जाए, दिखा दी जाए पहले कि कैसे बनाना है, कैसे कट करना है। तो मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट किया था आलू और कुंदरू को। तो इस तरीके से आप एक बार कुंदरू आलू की सब्जी बनाइए, पखाल भातों के साथ खाइए, या तो सूखी सब्जी के साथ खाइए। देखिए बहुत ही बढ़िया चटनी बनाई है मैंने, इस चटनी को आप पखाल भातों के साथ भी खा सकते हैं, सूखे चावल के संग भी खा सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बनाकर। अगर आपका मन करे कुछ खट्टा खाने का, दाल खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप ये वाली चटनी बनाकर भी खा सकते हैं दाल जैसी। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 4 हरी मिर्ची ले ली है और 3 टमाटर ले लिए हैं, 3 लोगों के हिसाब से 3 टमाटर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है, हम धो लेंगे। तो इस रेसिपी वीडियो में आपको सब कुछ दिखाऊंगी किस तरीके से कट करना है साथ साथ, और किस तरीके से बनाना है, और भूल चूक हर एक चीज़ बताऊंगी। और आज आपसे बहुत सारी बातें भी मैं करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने टमाटर को अच्छी तरीके से धो लिया है, बहुत ही ईजी तरीके से ये वाली रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोग जारी रहिए इस रेसिपी वीडियो पर, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया है। सो सबसे पहले हम चटनी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं प्याज को अच्छी तरीके से छील रही हूँ। सो फ्रेंड्स प्याज को हमें छील लेना है, फिर उसके बाद क्या करना है आप लोग जारी रहिए रेसिपी वीडियो पर। जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, बीच बीच में आप लोग आगे कर करके मत देखिए, जारी रहिए देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग बोर मत होइएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर प्याज को मैं बारीक कट कर रही हूँ, पूरा बारीक कट करके मैं ये वाला प्याज ये चटनी में ही डालने वाली हूँ। तो प्याज को कुछ भी पकाना नहीं है, ऐसे ही बारीक कट करके रखना है। आगे क्या करना है मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही इजी तरीके से होती है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनती है ये वाली चटनी, ट्राई ज़रूर करिएगा। शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको बनाकर दिखा चुकी थी बट इसकी रेसिपी मैंने नहीं डाली थी। तो यहाँ पर कट कर लिया है मैंने प्याज को, अब यहाँ पर मैंने टमाटर को ले लिया है। सो फ्रेंड्स, ऊपर से टमाटर को इस तरीके से कट कर लेना है, जहाँ से उसका माने क्या कहते हैं उसको मुझे समझ नहीं आ रहा, जहाँ से उसका माने क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ऊपर से जो उसका होल होता है ना उसको निकाल देना है, इस तरीके से काट लेना है दो पीस में, पूरा अलग नहीं करना है। तीनों को मैंने इस तरीके से कर लिया है फ्रेंड्स। बाहर से अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो इसको इग्नोर करिएगा। अब यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्ची ले ली है, इसको क्या करना है फ्रेंड्स, पूरा कट नहीं करना है, थोड़ा सा आगे से कट लगाना है उसके डंठल को निकाल कर, नहीं तो क्या होता है ना कट नहीं लगाने से मिर्ची फट जाती, कभी कभी ऐसी चोट भी लग सकती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कट लगा लिया है। तो बहुत ही इजी तरीके से सारी चीज़ें रेडी होने वाली है, बार बार मैं कह रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर कट हो चुके हैं, प्याज भी मैंने कट कर लिए हैं, सब कुछ अच्छी तरीके से मैंने रेडी कर लिया। तो ये देखिए पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप टमाटर कट कर लें और हरी मिर्ची में ऐसे हमें कट लगाना है।
चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ, हम स्टार्ट कर लेते हैं चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स गैस को मैं अभी ऑन करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आपसे बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो आप लोग मिस कर देंगे मेरी वीडियोज़ को। यहाँ पर मैंने तवा ले लिया, तो तवा पर हमें भुनना है थोड़ा सा तेल डालकर टमाटर और हरी मिर्ची को। तो सबसे पहले टमाटर को भुना है, फिर उसके बाद हरी मिर्ची को। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल ले लिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको तेल इससे कम लेना है तो उसका भी एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये वाला तेल मेरा छना हुआ तेल है, एक बार ही मैंने छानी थी वो क्रिस्पी वाले फूल गोभी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शॉर्ट्स में कल शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, तेल को मैं वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करती हूँ, एक बार छानने के बाद यूज़ कर लेती हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो दूसरा तेल भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा वाला। अब यहाँ पर उसी तेल में मैंने टमाटर डाल दिया है, अगर आपको तेल ज़्यादा लग रहा है तो आप 1 चम्मच तेल डालकर टमाटर के ऊपर पानी डालकर ढककर भी पका सकते हैं, तो भी टमाटर पक जाएगा। हरी मिर्ची को हम बाद में डालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वो पूरे पक जाएंगे। तो टमाटर को आधा पकने के बाद, एक बार पलटने के बाद हरी मिर्ची को हम डालेंगे। अब हम ढक देंगे, ढक कर बहुत ही अच्छी तरीके से पकाएंगे, कम से कम 5 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही जल्दी बनकर ये वाली चटनी रेडी होने वाली है। तो कैसे क्या करना है, कहाँ पर बनाना है, सब आपको बताऊँगी। अब यहाँ पर मैंने कुंदरू ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, कुंदरू 4-5 दिन पहले हम लोग लाए थे फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी कुंदरू पक जाते हैं। सोचा क्यों ना इसमें से बीन बीन कर कुंदरू की सब्जी आज बना लूँ। पखाल भातों के संग तो बहुत ही बढ़िया लगती है, आप पराठा रोटी पखाल भातों सूखे चावल के संग खा सकते हैं। पखाल भातों को पानी वाला चावल भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आलू निकाल रही हूँ काटने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैंने 2 आलू ले लिए हैं और साथ ही 2 प्याज ले लिए हैं, तो हम 2 प्याज डालने वाले हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने हरी मिर्ची ले ली है 3 और ले लिया है साथ में धनिया का पत्ता थोड़ा सा। सबसे पहले फ्रेंड्स हम कुंदरू को कट कर लेते हैं। सो ऊपर नीचे से इस तरीके से कट कर लेना है, फिर उसके बाद नीचे रख के लंबा लंबा हमें कट करना है। तो फ्रेंड्स सब कुछ आपको बताती जा रही हूँ, तो इस तरीके से कट कर ले। कुंदरू ज़्यादा बड़ा है और मोटा है, तो इस तरीके से आप कट कर लें। और भी मैं इसकी लेयर निकाल रही हूँ, इस तरीके से रख कर आप कट करें, बहुत ईजी तरीके से बनेगा। 2 बार आप इसको कट कर सकते हैं अगर ज़्यादा लंबा हो तो। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग पहले सब्जी जो हमने टमाटर की चटनी बनाने के लिए रखी थी, टमाटर नीचे गिर गई तो यहाँ पर मैंने हटा दिया प्लेट को। तो आप ढककर ही पकाएं अच्छी तरीके से, बहुत जल्दी पक जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पलट रही हूँ टमाटर को, तो प्लेट वहाँ गिर गई है, उसे बाद में उठाऊँगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स टमाटर को इस तरीके से आप पका ले, ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो उसमें से उसका पानी निकल जाएगा। अब यहाँ पर हरी मिर्ची ले ली है मैंने, हरी मिर्ची को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसमें भी कोई नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और फ्रेंड्स अगर आपके पास हरी मिर्ची नहीं है तो सूखी मिर्ची भी आप ले सकते हैं, मैंने अपने तीखे के अनुसार 4, 2, 3 जितना भी, सूखी मिर्ची से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चलिए अब हम मैं फिर से आ गई हूँ कुंदरू आलू के पास। तो इस तरीके से मैं कुंदरू आलू कट कर रही हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने रख ली है, बाद में साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी तरीका है, आप ज़रूर ट्राई करिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा बीच में हमें चेक कर लेना है, यहाँ पर अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं ये क्या बोलते हैं हरी मिर्ची भी। तो अब मैं गैस को बंद करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स जब भी आप कोई भी दो रेसिपी शेयर करते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए करेगा एक और रेसिपी को, नहीं तो जल जाएगा। कभी कभार मेरा ऐसा हो जाता है, पहले ऐसा हो जाता था, अब मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। अब मैंने दोनों आलू को ले लिया है, अब मैं आलू को अच्छी तरीके से छील रही हूँ। आलू को हमें लंबा लंबा कट कर लेना है, बहुत ही ईजी तरीके हैं फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब फ्रेंड्स चलिए मैं आलू को कट कर लेती हूँ, कैसे कट करना है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस रेसिपी वीडियो में आपको सब कुछ दिखा रही हूँ मैं, तो कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आलू की लेयर्स काट लेनी है और लंबा लंबा कट कर ले एक ही बार में। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से आलू कट जाएगा, आप इस तरीके से अगर कट करना जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए अच्छी तरीके से, एक ही बार में कट जाएगा, आपको रख रख के काटने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही पतला और बहुत ही अच्छी तरीके से आलू ऐसे काटने से कटता है। सो फ्रेंड्स मैंने कल बहुत ही बढ़िया शॉर्ट्स वीडियो डाली है राजमा चावल की, राजमा चावल का बड़ा वीडियो डाला है और शॉर्ट वीडियो डाली है और भी क्रिस्पी फूल गोभी की। तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पर देखिए, यहाँ पर देखिए आलू भी मैंने कट कर लिए। तो आप इस तरीके से आलू अगर कट करेंगे तो अच्छे भी कटेंगे, पतले भी कटेंगे। तो फ्रेंड्स एक कुंदरू वहाँ पका था पर वो ख़राब नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया, उससे भी उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता है। जो ज़्यादा पके थे उसको मैंने हटा दी। अब यहाँ पर धनिया हरी मिर्ची 4 हरी मिर्ची लिए हैं फ्रेंड्स, जो कि मैं हमने आपको 3 बताया था। प्याज भी ले लिया है, तो मैंने कट कर लिया है।
ज़्यादा वीडियो लंबे हो जाएगा इसलिए नहीं दिखाया है। तो बारीक हमें नहीं काटना है, लंबा लंबा प्याज को कट करना है और लंबा लंबा हरी मिर्ची को कट करना है। और धनिया मैं चटनी में डालने वाली हूँ तो उसे काट कर मैं अभी रख रही हूँ। यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ सरसों। सो फ्रेंड्स, अगर आप सरसों को स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें आप जीरा भी डाल सकते हैं। मैं जीरा नहीं डाली हूँ, सरसों डाली हूँ। सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है तेल ज़्यादा है क्योंकि ये मेरा मैंने छाना था ना वो क्या बोलते क्रिस्पी फूल गोभी, तो तेल मैं निकाल लूँगी। अगर प्याज डालने के बाद मुझे ज़्यादा लगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने प्याज को कट कर लिया था। ये है हरी मिर्ची लंबा लंबा कट के। तो फ्रेंड्स, तेल ज़्यादा ही हो गया है तो मैं निकाल लूँगी। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स इन रेसिपीज को। सो फ्रेंड्स, कुंदरू आलू मैंने लंबे लंबे काटे थे तो मैंने सोचा क्यों ना प्याज को भी लंबा लंबा कट कर लिया जाए। तो इस तरीके से मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है तो बहुत ही अच्छा देखने में लगेंगे, तो सब कुछ एक समान होगा। इसलिए अब फ्रेंड्स क्या करना है, प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, मैंने तेल निकाल लिया है। सो फ्रेंड्स, मेरी कढ़ाई मैंने क्या बोलते हैं थोड़ी सी देखने में अजीब लग रही है क्योंकि तेल तेल ऑयली ऑयली हो गई, तो उसको मैं अच्छी तरीके से आज मांझ लूँगी। तो यहाँ पर कुंदरू आलू मैंने डाल दिया है। सो फ्रेंड्स, छानने के बाद मैंने तेल में से निकालने के बाद कोई चीज़ कढ़ाई ऐसी हो ही जाती है, तो अब अच्छी तरीके से मैंने डाल लिया था। अब यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पर क्या डालना है, बहुत ही कम चीज़ें, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये बनकर रेडी होगा, ये वाली सूखी सब्जी। यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया, तो आप लोग स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। अब फ्रेंड्स, मैं डालने वाली हूँ हल्दी पाउडर। क्वांटिटी के हिसाब से ही हमें सारी चीज़ें डालनी है फ्रेंड्स, तभी बहुत ही अच्छी चीज़ बनती है, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर रेडी होती है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ। डालते टाइम फ्रेंड्स उसी चम्मच के ऊपर कुंदरू और आलू गिर गया था, तो उतनी ही रेड चिल्ली पाउडर डालनी थी। तो यहाँ पर मैंने भैंस मसाला ले लिया, आप चाहें तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, जो ये आपकी चॉइस है जो आपके पास है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा प्लास मिल गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो प्लास से मैं पकड़कर अच्छी तरीके से मिला रही हूँ, जो कि मैं आपको पहले बता रही थी, आगे भी आपको बताऊँगी। तो चलिए यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करके हमें ढककर पकाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले ही मैंने धोते टाइम ही जल्दी से निकाल लिया था कुंदरू आलू को प्लेट में, बट फिर भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं से पानी रह जाता है। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा तरीका बताती हूँ, थोड़ा कम से और थोड़ा ज़्यादा से गैस को इस तरीके से रखें जिससे कि गैस तेज़ होगा, पानी भी सूख जाएगा, आलू भी पक जाएंगे, बट बीच बीच में हमें देखते रहना, नहीं तो आलू जल जाएंगे। तो अभी मैंने ढक दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने सेब खाने के लिए। कुंदरू आलू की सब्जी बनने के लिए मैंने रख दिया है। बहुत ज़्यादा भूख लगी क्योंकि फ्रेंड्स सुबह कुछ भी खाया नहीं था। आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया है, ऑलरेडी आपके लिए शॉर्ट वीडियोज़ कर ली, शूट कर लिया, और आज मन भी नहीं करा फ्रेंड्स कुछ भी नाश्ता खाने का, डायरेक्ट लंच बनाने का मन किया। तो सोना वैसे ड्यूटी जाने वाले हैं 1 बजे, तो हम लोगों ने बस चाय पी ली है, तो बस आज ऐसे ही नाश्ता नहीं बनाया है। और आपके साथ शेयर भी नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियोस बना ली हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात भी नहीं की, मैंने सोचा क्यों ना बात कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए डेली डेली न्यू रेसिपीज ला रही हूँ, सपोर्ट करिए। अभी क्या कल या आज में मैं आपके संग एक और बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपको बता देती हूँ, सस्पेंस बिल्कुल भी नहीं रख रही हूँ। तो मैं आज या कल में शेयर कर दूँगी, तो फ्रेंड्स कल ही करूँगी क्योंकि सारी वीडियोस मेरी रेसिपी शॉर्ट्स और बड़ी वीडियोस शूट हो चुकी हैं जो कि मैं आज शेयर करूँगी, तो कल ही आपके साथ शेयर करूँगी टमाटर के समोसों की रेसिपी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कल जल्दी से आपके साथ शेयर करूँ तो आप लोग कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, तो फटाफट से मैं कल बनाकर आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। बहुत ही इजी तरीके से टमाटर के समोसे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो डेली डेली मैं न्यू रेसिपीज आपके लिए सोच रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो शेयर नहीं करूँगी, करूँगी डेली डेली। आप लोग धीरे धीरे करिए, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आप लोग बहुत सारा सपोर्ट करिए। देखो मैं कैसी बातें कर रही हूँ, करिए बहुत सारा सपोर्ट, देखिए मेरी वीडियोस को, पसंद करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए। मुझे किसी चीज़ की जल्दीबाजी नहीं है, आप लोग बस मुझे सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो मैं खा लेती हूँ, तो मिष्टी अभी नहीं है तो मैं आराम से आप लोगों से बात कर रही हूँ। और भी और फ्रेंड कमेंट जरूर करिएगा कि आगे आपको क्या खाने का मन करा है, कौन सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर फ्रेंड मुझसे कुछ भूल चूक हो जाती है रेसिपीज में तो आप लोग बताइए करिएगा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ बोलना चाहती हूँ,
अभी कुछ दिनों पहले मैंने नॉनवेज की रेसिपी शेयर की थी, उसमें एक जन ने कमेंट किया है, छी आप लोग महापात्रा हो ये खाते हो। तो आपने जिसने भी कमेंट किया है, मेरी वीडियो को देखा है, उसके लिए थैंक यू। बट आपने ये जो कमेंट किया है, ऐसा कमेंट मत करिए, किसी के खाने पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि आपने मेरी वीडियो देखी, थैंक यू, बट आप ऐसे किसी के भी खाने को मत बोलिए, छी बहुत ही आप लोग महापात्र हो, छी आप लोग ये खाते हो, नॉनवेज खाते हो, ये हमारी मर्जी है, ये हमारी चॉइस है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो आप प्लीज़ ये हमें मत बताइए। अगर आपको वो रेसिपी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग मत देखिए, अगर आपको और कुछ पसंद है तो आप देखिए, पर ऐसा कमेंट मत करिए कि छी आप लोग महापात्र हो और ये सब खाते हो, तो ये हमारी चॉइस है, हमें जो खाना है हम वो खाएँगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, मैंने हमें अगर नॉनवेज पसंद है तो हम नॉनवेज खा सकते हैं, अगर हमें वेज पसंद है तो वेज खा सकते हैं। तो आप ऐसे लोग ऐसा मत बोलिए, अगर आपको कुछ वेज में पसंद है तो आप लोग कमेंट करिए, मैंने आप कमेंट करिए, जो जिसने अभी छी बोला है उनका नाम तो नहीं बोलूँगी क्योंकि वो मेरे सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप ये सब बोलिए, नहीं बिल्कुल भी आप मत बोलिए। अगर आपको पसंद नहीं तो बिल्कुल भी आप मेरी रेसिपी वीडियोस मत देखिए। बट अगर आपको कुछ नॉनवेज नहीं पसंद है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको वेज पसंद है तो आप कमेंट करिए, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए बस आप लोगों से यही बात करनी थी, हम चलते हैं अपनी कुंदरू आलू की सब्ज़ी में। अभी मैंने एप्पल नहीं खाया क्योंकि आप लोगों से बात करने में भूल गई थी। राजमा की रेसिपी शेयर की है, जल्दी से जाकर मेरे चैनल पर देखिए अगर आपको राजमा पसंद है। फ्रेंड्स बहुत इजी तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किए, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले ऐड करके नहीं बनाया था। तो आप लोग जाइए सपोर्ट करिए, मुझे देखिए और लाइक जरूर करिएगा उस वीडियो को। चलिए हम चलते हैं कुंदरू आलू की सब्ज़ी के पास, हमें ज़्यादा समय आपका नहीं ले रही हूँ, बट बीच बीच में हमें चलाते भी रहना है, तो चलिए हम लोग चला लेते हैं। सो फ्रेंड जैसा कि मैं आपसे कल बोल रही थी, मेरा पकड़ने वाला प्लास मिल गया है बहुत ढूंढने के बाद, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसकी बहुत ही लंबी स्टोरी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं इसकी स्टोरी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने धीमी आँच और ज़्यादा आँच से कम रखा था गैस को। कहीं ऐसा ना हो कि जल जाए, बीच बीच में आप लोग चलाते रहें। अब फ्रेंड्स हम गैस को पूरा स्लो कर सकते हैं, तो अभी मैं स्लो कर पका रही हूँ। आप देखना बहुत ही बढ़िया कुंदरू आलू की सब्जी बनेगी। और फिर से मैं ढक रही हूँ, तो फ्रेंड्स कुंदरू आलू की सब्जी बन चुकी है, अब मैं बंद कर रही हूँ। बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हुई है फ्रेंड्स। ये जो लाल लाल हुआ है, ये मत सोचना कि लग गई है, ऐसे ही क्रिस्पी बनानी है हमें सब्जी, क्योंकि हमें पकाल भातों के साथ खाना। तो यहाँ पर बन चुकी है सब्जी, बट आप एक गलती मत करिएगा, ढकिएगा मत, बनने के बाद 5-10 मिनट ऐसी रखिएगा, जब ये ठंडा हो जाए तब ढकना, नहीं तो इसमें पानी लग जाएगा, मैंने पानी जो आ जाता है ना ऊपर से, वो अच्छी नहीं लगेगी सब्जी। चलिए अब मैं चलती हूँ, आपसे थोड़ी देर मिलूँगी, जब हम खाना खाएँगे तब मैं आपको टमाटो की चटनी बनाकर दिखाऊँगी। सब कुछ मैंने अच्छी तरीके से रेडी कर लिया। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ले लिए, मैंने टमाटर के 2 पीस ले लिए हैं, 2 हरी मिर्ची ले ली है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं नमक ले रही हूँ, यहाँ पर मैंने पकाल भातों भी ले लिया है, और यहाँ पर कुंदरू आलू की सब्ज़ी ले ली है। अब फ्रेंड जो प्याज मैंने कट किया था वो इसमें मैं डाल रही हूँ ऊपर से, तो इसी तरीके से हमें ऊपर से प्याज डाल लेना है। अब आगे हमें क्या करना है, सो फ्रेंड्स इसमें हमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत है। धनिया का पत्ता भी मैंने डाल दिया, जो मैंने बारीक कट किया था, ये आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते। सो फ्रेंड जो पानी की हमें ज़रूरत थी, तो आप पानी भी डाल सकते हैं, नहीं तो पकाल भातों का पानी भी ऊपर से डाल सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, टमाटर को इस तरीके से दबा दबा कर उसमें से उसका जूस निकाल लेना है। बहुत ईजी तरीके से ये वाली चटनी बनकर रेडी होती है, कुछ भी और नहीं डालना है। आप चाहें तो बैंगन को भी इस तरीके से पतला पतला कट करके फ्राई करके तवा में बना सकते हैं। अब यहाँ पर हरी मिर्ची को भी मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है, तो बहुत ही ईजी तरीका है फ्रेंड्स। अगर आपको खट्टा खाने का मन कर रहा है तो इस तरीके से आप सूखे चावल के संग भी वाली चटनी खा सकते हैं, क्वांटिटी को थोड़ा सा और ज़्यादा रखें। अब मैंने सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है नमक के साथ में, एक बार ज़रूर बनाकर खाइए फ्रेंड्स। हमारे उड़ीसा में सब लोग ऐसा खाते हैं बनाकर, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से, जो मैं आपको आगे दिखा चुकी हूँ सब कुछ मैंने अच्छी तरीके से रेडी कर लिया है। यहाँ पर देखिए कुंदरू आलू की बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर रेडी हुई है। बहुत ही अच्छी तरीके से कुंदरू आलू पके हैं, तो आप इस तरीके से बनाएं, इस क्वांटिटी में बनाएं, ऐसे आप कट करें, लम्बा लम्बा कट करके आप इस तरीके से बहुत ही बढ़िया कुंदरू आलू की सब्जी बना सकते हैं। यहाँ पर चटनी भी बहुत ही बढ़िया बनी है, सूखे चावल के संग भी आप खा सकते हैं अगर पानी वाला चावल आपको खाना पसंद नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से चटनी बनकर रेडी हुई थी, तो सब कुछ रेडी हो चुका है। आई होप कि फ्रेंड्स आज की छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, अपना ख्याल रखें।